हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज इस वीडियो में देखेंगे कल के इंट्राडे स्टॉक्स और जानेंगे कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। सो ट्रेडर्स, अगर आपको भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज निफ्टी 70 पॉइंट्स गैप ओपनिंग के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, जिसकी वजह से हम इसे 15,800 के ऊपर यहाँ पे सेटल होता हुआ देख सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी 35,000 को रिक्लेम करने के बाद यहाँ पे 35,200 को यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, जिसकी वजह से कल भी इसमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स अपने रिकॉर्ड लो पे है और यूएस मार्केट यहाँ पे में एक मार्जिनल अपसाइड अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो कल कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट पोजिशन लेने से हम अवॉइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से चार स्टॉक्स हैं जिसमें कल हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो ट्रेडर्स, लिस्ट में जो पहला स्टॉक है यह है हिंडाल्को, जो कि आज यहाँ पे मेटल सेक्टर में देखे गए रैली के चलते इसमें हमें मोर देन 3.5% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से देखें तो ये हायर लोस फॉर्म कर रहा है और इसके वजह से ये जो बुलिश ट्रेंड है वो आगे हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर के डेटा को अगर कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे मेटल सेक्टर में ये जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है उसका एक इंपैक्ट हमें क्लियरली एंटायर सेक्टर के ऊपर देखने को मिल सकता है। सो गाइस, कल इस स्टॉक में थोड़ी बहुत अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस केस में अगर ये स्टॉक कल हमें 390 के लेवल को फिर से रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे तो एक लॉन्ग ट्रेड हम इसमें ले सकते हैं। उस केस में स्कैल्प ट्रेडर्स इसमें अराउंड 395 और 397 तक के लेवल्स एज ए टारगेट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस हमें 387 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है और इसके लिए आप 1 to 2 मिनट के कैंडल के बेसिस पे इसमें अपना ट्रेड जरूर प्लेस करें। इसके बाद जो अगला स्टॉक है ये बिलोंग करता है गोल्ड फाइनेंसिंग यानी मुथूट फाइनेंस, और आज इसने अपना एक नया 52 वीक हाई को यहाँ पे टच किया है। तो गाइस, यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड से स्टॉक यहाँ पे 1500 के नीचे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था, लेकिन आज क्योंकि इसमें एक हाई वॉल्यूम के साथ एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो इसके वजह से कल इस स्टॉक में आपको ओपनिंग के बाद एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकती है। उस केस में अगर हम इस स्टॉक को 1560 का जो लेवल है उसके ऊपर यहाँ पे सेटल होता हुआ देखते हैं तो इस स्टॉक में एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है और आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप 1575 का एक टारगेट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्कैल्प ट्रेडर्स यहाँ पे 1570 से अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लें और एज ए स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे 1550 हमारे लिए एक स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। सो ट्रेडर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही हो या फिर आप इसमें से कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को अपने इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने में थोड़ी बहुत आसानी हो सके। इससे आप हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो होने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। सो गाइस, लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है ये है IRCTC, जिसने आज एक रिकॉर्ड अपसाइड के चलते ऑलमोस्ट 2200 के लेवल्स को यहाँ पे रिक्लेम किया है। सो गाइस, स्टॉक में आज मोर देन 5% का एक अपसाइड हमें देखने को मिलता है और स्टॉक अपना जो प्रीवियस स्विंग था उसके ऊपर यहाँ पे हमें एक क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ट्रेडर्स, अगर कल ये स्टॉक हमें 2175 के ऊपर अगर इसमें कोई भी गैप ओपनिंग आपको दिखाई दे तो आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और उस केस में हमें अप टू 2200 और 2210 तक के लेवल्स विद इन मिनट्स यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। एज अ स्टॉप लॉस हमें अराउंड 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसमें प्लेस करना है। सो गाइस, अगर स्कैल्प ट्रेडिंग करना है तो इस स्टॉक में हमें अराउंड 2200 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक है ये आज का हमारा स्टार परफॉर्मर है और ये है इजी ट्रिप प्लानर। यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड से थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद हम क्लियरली एक पैटर्न को इसमें देख सकते हैं, क्योंकि जब कभी स्टॉक में ये जो डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है 2 से 3 दिनों तक और बाद में एक अपसाइड के बाद स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में आता है, लेकिन इस बार स्टॉक ने कंटिन्यूअसली 2 दिनों तक यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक
10% का अपसाइड दिया है और अपने डे हाई पे यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग देखने को मिलता है। तो गाइस इसे देखते हुए कल स्टॉक में एक फर्दर अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक अपने प्रीवियस 52 वीक हाई के लेवल्स को यहाँ पे रिक्लेम कर सकता है। सो गाइस उस केस में अगर स्टॉक आपको 430 के ऊपर अगर इसमें कोई भी ओपनिंग हमें दिखाई देता है तो इसमें हम एक स्कैल्प ट्रेड बाय साइड में कंसीडर कर सकते हैं और एज ए टारगेट स्कैल्प ट्रेडर्स आपको अराउंड 440 और 445 तक के लेवल्स यहां पे बाय साइड में दिखाई दे सकता है। उससे पहले स्कैल्प ट्रेडर्स अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना शुरू करते हैं और इसके लिए हम ₹5 का एक स्टॉप लॉस यहां पे 425 के ऊपर यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। और इन सब के बाद अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे आवरली कैंडल्स पे हम देख सकते हैं लास्ट टाइम निफ्टी ने अराउंड 15,850 पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था। सो गाइस अगर हम इस लेवल के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत देर तक यहाँ पे हम सस्टेन करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत अपसाइड कल आपको दिखाई दे सकता है। पर इन केस अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो आपको 15,800 से लेके 15,850 के बीच थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद हमने एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया। सो गाइस अगर कल ये 15,850 के ऊपर यहाँ पे सेटल नहीं होता तो हम इसमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस केस में अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाए तो हम देख सकते हैं नीचे के लेवल्स पे एक ह्यूज पुट राइटर्स की ओर से हमें ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप दिखाई दे रहा है और इसे देखते हुए 15,700 से 15,800 के बीच एक ह्यूज पुट राइटिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। इवन यहाँ पे कॉल अनवाइंड होता हुआ हमें दिखाई देता है। सो गाइस इसे देखते हुए मार्केट में थोड़ी बहुत बुलिश अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन केस अगर ये 15,800 को सस्टेन करता है तो उस केस में अगला जो रेजिस्टेंस है वो होगा अराउंड 15,900 का और अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो अगला जो वीकली एक्सपायरी है तब तक हम 16,000 को एज ए अपना मेन रेजिस्टेंस लेवल की तरह आगे कंसीडर कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये करेंटली एक रेंज के अंदर यहाँ पे कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है और ये जो रेंज है वो अराउंड 34,650 से लेके 35,200 के लेवल्स के बीच यहाँ पे रहने वाला है। सो गाइस अगर हम क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने अराउंड 35,200 के लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था सो ये लेवल हमारे लिए अभी के लिए काफी क्रूशियल बन जाता है। सो गाइस अगर बैंक निफ्टी 35,200 के लेवल को कल सस्टेन करता है तो इसमें एक अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस केस में हमें अप टू 35,350 तक के लेवल्स यहाँ पे अपर साइड में एज ए टारगेट इसमें दिखाई दे सकता है। सो फ्यूचर ट्रेडर्स इसमें अगर ट्रेड करना चाहें तो ओपनिंग के बाद आपको अप टू 35,350 तक के लेवल्स इसमें दिखाई दे सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कल हम जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने स्ट्रीम में जरूर शेयर करेंगे। और इस बात को अगर हम ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो हम देख सकते हैं निफ्टी की तरह ही हमें यहाँ पे 35,000 और 35,000 से लेकर 35,200 के लेवल्स तक एक ह्यूज पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है और नीचे के लेवल्स पे हम यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे 34,800 से लेके 35,000 के लेवल्स के बीच थोड़ी बहुत कॉल्स अनवाइंड हुआ है जिसकी वजह से कल हम 35,000 के लेवल को यहाँ पे सस्टेन होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस केस में हमें 35,200 के ऊपर थोड़ी बहुत अपसाइड भी दिखाई दे सकता है। सो गाइस कल इसका जो मेन स्कैल्प आइडियाज है हम जरूर आपके साथ अपने ओपन स्ट्रीम में जरूर शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए I hope you like this video. If you liked it, make sure you subscribe and hit the bell icon so that you will never miss any update from us. So until next time, keep watching and I will see you in the next one.